दोस्त लोग आप देख सकते हैं, हम लोकेशन में इतनी दूर आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, तो आज है हमारा 15 डे सर्वाइवल सीरीज का पहला दिन। पहले दिन में हमारा टारगेट ये है कि हम इस जगह में आए हैं, आप एरिया देख सकते हैं, एक नदी है, पहाड़ है और जंगल है। जंगल में कई तरह के जानवर भी है, तो हमारा टास्क ये रहेगा, आप देख सकते हैं एरिया कैसा है, ये देखिए आप हड्डियाँ पड़ी है। तो जंगल में आप देख सकते हैं कई तरह के जंगली जानवर भी है, तो हमारा टास्क ये रहेगा कि कोई अच्छी सी जगह जाएं, अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर वेट कर थोड़ा वो टाइम स्पेंड करें, उसके बाद वहाँ पर कुछ खाना बनाकर खाएं। तो आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं, कोई व्यू आपके सामने है, आप देख सकते हैं जगह कैसी है, नदी है, पहाड़ है, पहाड़ के आसपास थोड़ा बहुत जंगल भी है, ये देखिए कुछ मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ पड़ी है, आप देख सकते हैं। अगर कोई जानवर, खतरनाक जानवर हमें मिल गया तो हमारा हाल कुछ भी हो सकता है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हमारे बड़े भाई गए हैं हड्डियाँ देखने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, इसमें जानवरों का हड्डियाँ पड़ी लगता है, कई शेर होगा साथ पास में, यहाँ जानवर बहुत सारे, शेर भी हो सकता है, भेड़िया भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है जो हम पर हमला कर सकता है। तो आप देख सकते हैं हड्डियाँ पड़ी है, यहाँ पे हमारी हड्डियाँ भी हो सकती है, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ टास्क को पूरा करना होगा, जल्दी खाना पानी आग ढूंढना होगा। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे बड़े भाई आगे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं एक सांप का बिल दिखा है, ये देखिए सांप, नेवला, बिच्छू, छोटे छोटे जानवर से लेकर बड़े जानवर भी हो सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कहीं ऐसी जगह है जहाँ से जानवर निकल सकते हैं, आप देख सकते हैं, हमें बड़ा ही संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ से हमें वहाँ पर एक किला सा दिख रहा है जो पुराने जमाने में कहीं रहने में काम आता होगा, तो हमें वहाँ पर जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए साथी हरी से जो। तो हमारे बड़े भाई यहाँ से उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़े ही परिश्रम करना पड़ा है इन्हें, परिश्रम तो वैसे कुछ नहीं किया है, जल्दी से उतर गए, तो चलिए हम भी चलते हैं यहाँ से उतर कर। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे को साथी तरुण आ रहे हैं, हमें जल्दी से आग पानी ढूंढना होगा क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे खतरनाक जानवर है जो हमको खा सकते हैं, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ कहीं ना कहीं छुपे हो सकते हैं इन झाड़ियों के पीछे वो, इसलिए हमें जल्दी से खाना पानी आग ढूंढना होगा और जल्दी से उस पहाड़ पे जाके हमें मैगी बनाना है दोस्तों, इसलिए हमें जल्दी से पानी और आग का जुगाड़ करना पड़ेगा। सामने वाला लोकेशन दे सकते हैं, वहाँ तक जाना हमको किले साइड दोस्तों, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए या फिर कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो हम चाहते नहीं है कि वो। तो देखिए आप कई सारी दिक्कतें भी आ रही है, काफी घना जंगल है, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं तो रास्ता और घना होता जा रहा है और कठिन होता जा रहा है दोस्तों, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तो फ्रेंड्स रास्ता काफी कठिन था इसलिए हमने अपना मोड बदल लिया है, तो अब हम नीचे से जाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हम ऊपर से जाके अपनी एनर्जी वेस्ट करें। तो हमारा एक और साथी जो पीछे हमारे पीछे आ रहा है, देखिए आप बेचारा थक चुका है, लेकिन हमारे जो 15 डे सर्वाइवल चैलेंज जो हम पूरा करके रहेंगे, और आप सब लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि लाइफ में बाहर निकलिए और कुछ अलग कीजिए ताकि आपकी लाइफ का कुछ मतलब निकले। तो आप देख सकते हैं नदी, इसमें काफ़ी सारी एल्गीस ऊपर आ चुकी है, ये पीने लायक तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें किसी जगह देखनी जहाँ पे हमें पानी मिल सके, साफ पानी पीने के लिए। रास्ता काफ़ी घना है दोस्तों, चलने में काफ़ी मुश्किलें आ रही है हमको, हमारे एक दोस्त पीछे से आ रहे हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों, आप देख सकते हैं जंगल काफ़ी घना है, यहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल रास्ता है, यहाँ काफ़ी सारे खतरनाक जानवर हैं जो हमारे सर्वाइवल में बाधा दे सकते हैं या हमें चोट पहुँचा सकते हैं। उससे पहले हमें अपनी अच्छी सी लोकेशन ढूंढ के खाना पानी सब कुछ ढूंढना होगा ताकि हम खा सके। आप देख सकते हैं सामने कितना बढ़िया व्यू आ रहा है इधर का, ये देखिए ये शेर दिख रही है लेकिन इसके अंदर कोई सा शेर नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी खाली हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी घना जंगल है, घना जंगल तो है लेकिन चलने में बड़ी असुविधा हो रही है हमें, ज़्यादा दूर नहीं पर थोड़ा सा ही और चलना है, बस करते हैं पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, बस 5-6 मिनट की बात हो रहे हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि पत्थर का कोई भरोसा नहीं है कौन सा पत्थर कब गिर जाए। तो चलते चलते बहुत थक जाने के बाद 2 मिनट के रेस्ट के लिए बैठे हैं, आप देख सकते हैं पत्थर मिला बैठने के लिए, अभी भी जगह इतनी दूर, आप देख सकते हैं जगह को, जगह वहाँ पर है, जाना है अभी हमें। 2 मिनट के रेस्ट के बाद हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, रेस्ट लिया था हमने,
आप जगह देख सकते हैं वो रही जगह, वहाँ पर कोई दिख तो नहीं रहा है, सिर्फ एक किला मकान जैसा ही है। थोड़ी दूर हो रहा है, थोड़ी दूर हो रहे हैं, पानी की लहरों को आप महसूस कर सकते हैं। ये पानी बड़ा ही शांत दिख रहा है, लेकिन शांति हमेशा शांति नहीं होती, सही है, तूफान के पहले की शांति है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड लोग, हमारी लोकेशन थोड़ी दूर हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ऊपर कोई झरना रहा होगा, उसके वजह से ऐसा बना हुआ है। तो हम आ चुके हैं, बस थोड़ी दूर हो रहा है हमारा लोकेशन। गर्मी की वजह से पानी पूरा खत्म हो चुका है, इतना झरने में पानी है, नदी का भी वाटर लेवल नीचे आ चुका है। तो दोस्तों, तो सर्वाइवल का सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढना। सेफ लोकेशन ढूंढने के बाद आप ही अपने आप को सेफ फील करेंगे, वरना हमारे चलते रहेंगे कुछ देर में रात जाएगी तो उसी का कोई मतलब दोस्तों अपने साथी का इसे सर्वाइवल में हौसला बढ़ाए रखना जरूरी, क्योंकि इसी जगह में आके कभी कभी आपका दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए दोनों का एक साथ चलना दिमाग जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों काम नहीं किए तो सर्वाइवर में आपके साथ कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो देखिए, हम आधी लोकेशन तक पहुंच चुके हैं, वो रास्ता थोड़ी दूर हो रहा है, वो देख सकते हो जो खंडर दिख रहा है, वहाँ तक जाना है दोस्तों हमको। कहाँ से आए थे अपन? तो दोस्तों देखिए, हम आए थे वहाँ से, लेकिन अब हम इतनी दूर आ चुके हैं, काफ़ी दूर अपनी लोकेशन से, हमें कुछ ही कदम और कुछ ही मीटर की तो फासला और बचा है, पहुंचने वाले हैं। देखते हैं कैसी जगह है, क्या जगह है, राजा महाराजा किसी जगह में गया करते थे, हम भी देखते हैं, बताएंगे आप लोगों को भी बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। तो दोस्तों देखिए, हम इस किले तक आ चुके हैं, बोलिए सर। पहुँच गए हैं हम हमारी जो लोकेशन थी उस पर, आप देख सकते हैं मैं लोकेशन पर जा रहा हूँ। ये रही लोकेशन, यहाँ पर राजा महाराजा अपना टाइम स्पेंड करने आया करते थे, दिखाना चाहेंगे कुछ ऐसा नजारा दिख रहा है, अभी टूट चुका है, खंडर हो चुका है, लेकिन पहले ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा आलिशान रहा होगा। चलिए इसका एक व्यू दिखाते हैं आप। तो ये हमारे भाई पानी भर रहे हैं, मिशन हमारा लास्ट स्टेज पर है, पानी इतना साफ नहीं है लेकिन उबाल कर साफ करना पड़ेगा। चलिए आइए दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैगी हम उस वहाँ छाँव दिख रही है, वहाँ पर हम मैगी बनाएंगे। मैगी का पैकेट हम साथ में लाए थे, क्योंकि क्या पता कब भूख लग जाए, और भूख लग चुकी है। पानी मिल चुका है तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको सीधा लोकेशन पर मिलते हैं। आप सब देख सकते हैं कि अब हमारा खाना बनने के लिए हमारा बर्तन निकल चुका है, और पानी मिल चुका है हमें नदी से, लेकिन ये काफ़ी गंदा है, काफ़ी सारे बैक्टीरिया इसके अंदर, इसलिए हम इसको गर्म करेंगे। इसके लिए हम एक चूल्हा बना रहे हैं, ये सफिशेंट है इतना कि हम जला सके इसको। तो पानी गर्म करना है, उबालना है इसको अच्छे से, ताकि इसके अंदर के बैक्टीरिया सारे मर जाए और हमारे खाने लायक एक मैगी बन जाए। तो दोस्तों, हम जला रहे हैं चूल्हा, चूल्हा इसलिए क्योंकि मैगी बनानी है तो चूल्हा तो बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों वहाँ से देखिए, वहाँ से आए उस पहाड़ के, यहाँ से अब हमारे जी फट चुके बिल्कुल, पानी के लिए तरस रहे, पानी पीने लायक बचा नहीं हमारे पास। तो पहले हमें पानी को गर्म करना होगा। बर्तन हमारा चूल्हा बनकर तैयार है। ठीक है दोस्तों, अब खाना बनाने के लिए पहले हमको पानी गर्म करना होगा, और आग की ज़रूरत है, अभी हमें आग जलानी पड़ेगी, इसे धोएंगे पहले, अभी हमें आग की ज़रूरत है दोस्तों। नहीं करना, थोड़े पानी से धो लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमें आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ लानी होगी, और फिर उसको जलाने के लिए ट्राई करेंगे। तो देख सकते हैं आग हमारी जो है वो लग चुकी है, बहुत ही अच्छी आग लगी है हमारी, भूख लग रही है दोस्तों। तो खाना बनाना है बस जल्दी हमें, और फिर निकलना है शाम होते होने के पहले। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे बड़े भाई जो है पानी छान रहे हैं पतीले में। तो पानी आपका छानना बहुत ज़रूरी है, हमारी मजबूरी, हम गमछे में छान रहे हैं, क्योंकि कपड़ा जंगल में मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, हमने पानी छान ली चुके हैं, देख सकते हैं आप दोस्त हमारे। तो ये रहा हमारा पानी, तो दोस्तों पानी हमारे पास कम पड़ गए थे, इसलिए मेरा दोस्त पानी भरने के लिए वापस किनारे की ओर जा रहा है। तो देखिए हमारा पानी गर्म हो चुका है, बस अब हमको नूडल्स लाना है और उसमें डालना है, और पानी हमारा गर्म हो चुका है, बस अब हमारा टास्क पूरा होने वाला है। आप देख सकते हैं कितनी दूर से हम आए थे दोस्तों, हमें पानी की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से हम वहाँ आगे तक पहुँच नहीं पाएंगे, इतनी एनर्जी बची नहीं है हमारे पास में। तो ये मैगी पट चुकी है, आप पास से देख सकते हैं, ये मसाला हम अलग निकाल लेते हैं, ये रही मैगी।
देख सकते हैं मैगी हमारी बन गई है, काफी यम्मी दिख रही है दोस्तों, देखिए अब भूख तो लगी है तो खाएंगे तो जरूर। अब जगह देखिए दोस्तों, इसी जगह में मैगी बना के और खाने का मजा ही कुछ और है, कुछ और ही है सच में, ये कुछ और है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम ट्राई करने जा रहे हैं इस मैगी को। ठीक है अब हम ट्राई करते कैसी बनी है। तो दोस्तों मिशन पूरा हो चुका है, ये रहे हमारा बर्तन जिसे हमने साफ कर लिया है, लेकिन बैग में नहीं डालेंगे, पहले सूखेगा फिर डालेंगे। चलिए दोस्तों अब हमारा निकलने का टाइम आ चुका है, हमें यहाँ पहाड़ के ऊपर से चढ़ के जाना होगा दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सूरज ढल चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारे खतरनाक जानवर है जो हमारे खा सकते हैं या हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं यहाँ से निकलने में, तो बस हमें ऊपर चढ़ना होगा दोस्तों। तो चलिए इस पहाड़, तो दोस्तों हमारा जो 15 डे चैलेंज था वो पूरा हो चुका है, हम मिलते हैं अगले हफ्ते, तो अगले चैलेंज नए चैलेंज के साथ।